हेलो एवरीवन, नमस्कार। राजकृष्णा देसाई। आज हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, जो कि है इक्विवेलेंस ऑफ टू फिनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, दो फिनाइट ऑटोमेटा इक्वल कब होते हैं? ठीक है, तो आपको कुछ लैंग्वेज दिया जा सकता है, उस लैंग्वेज से आपको ऑटोमेटा बनाना है और फिर देखना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, आप वहां पे आइडेंटिटी लगा कर भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर इन केस वो डिफिकल्ट पड़ता है तो ये एक अच्छा मेथड है। जो भी गिवन हो उससे आप ये ऑटोमेटा बना ही सकते हैं। एक बार जब ऑटोमेटा हमने बना लिया, फिर ये हमारे पास लेट सपोज ऑटोमेटा नंबर वन है। ठीक है, ऑटोमेटा वन, ठीक है, करस्पॉन्ड करता है किसी लैंग्वेज को, और ये ऑटोमेटा टू है। ठीक है, फ्लो अच्छा लग रहा है यहाँ पे पेन का, हालांकि ये ऑटोमेटा देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। तो यहां से दो ही कंडीशन है। ठीक है, पहला तो एक कंडीशन है कि अगर दोनों में से किसी को, जिसको आप इक्विवेलेंट प्रूफ करने जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक में भी अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, तो दोनों में ऐसा चीज होना चाहिए। मतलब अगर ऑटोमेटा वन में ऐसा है कि इनिशियल स्टेट है और वही फाइनल स्टेट है, तो ऑटोमेटा टू में भी वो चीज होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। लेकिन अगर ऐसा है कि ऑटोमेटा वन में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग है और ऑटोमेटा टू में भी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग है, तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, तो आप कंडीशन टू पे जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में भी ये चीज हुआ कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो, तो दोनों में वो चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इनिशियल स्टेट, लेट्स से यहां Q1 है ऑटोमेटा वन की अगर बात करें, और फाइनल मान लेते हैं Q3 होता, ठीक है, और ऑटोमेटा टू में मान लेते हैं इनिशियल Q4 है, फाइनल Q6 होता, तब ज्यादा सोचना नहीं था कि दोनों में इक्वल कैसा हो। नहीं, अगर अलग अलग है इनिशियल फाइनल तब नहीं सोचना, लेकिन अगर सेम है इनिशियल फाइनल तो वो सेम दोनों में होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आसान है, उसमें बस हम टेबल बनाते हैं और टेबल पे ही आते हैं, वहीं से हम आपको सेकेंड कंडीशन बता देंगे। तो टेबल क्या है, दोनों का इनिशियल स्टेट जो कि इस केस में फाइनल स्टेट ही है वो हम पकड़ते हैं, तो Q1 है और Q4, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे Q1, Q4। ठीक है, और क्या क्या इनपुट है हमारे पास, सी और डी दो ही तो है, तो सी पे ये कहां जा रहा और डी पे ये कहां जा रहा ये चेक कर लेंगे। ठीक है, तो Q1 सी पे कहां जा रहा है, Q1 हाँ ठीक है, Q1 सी पे कहां जा रहा है, Q1 कहां पे है, ऑटोमेटा वन में है, Q1 सी आने पे Q1 पे ही रह रहा है, तो यहां लिख देंगे Q1। अब Q4 को चेक करते हैं सी आने पे, तो Q4 जो कि ऑटोमेटा टू में है वो सी आने पे सी पे ही रह रहा है, तो यहीं पे कॉमा दे के हम लिख देंगे क्या Q4। ठीक है, अब चेक करो कि Q1 डी आने पे कहां जा रहा है, तो Q1 डी आने पे Q2 पे जा रहा है, Q4 डी आने पे Q5 पे जा रहा है। ठीक है, अब आता है कंडीशन के बारे में बात करना। तो कंडीशन क्या बोलता है कि आप टेबल बनाइए, अगर उस टेबल में कुछ इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, नॉट फाइनल
कॉमा फाइनल। अब ये नॉट फाइनल क्या है, हमें तो क्लियर हो गया कि फाइनल स्टेट Q1 और Q4 है, ठीक है, Q1 एंड Q4। तो नॉट फाइनल क्या होंगे, इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा आ जाए जिसमें तीन तरह के ऑर्डर्ड पेयर आपको बन सकते हैं, या तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का जो दोनों है एलिमेंट वो फाइनल स्टेट ही हो, जैसे Q1 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 Q4, या इन दोनों का ही कम्बिनेशन हो, या तो ऐसा आ सकता है दोनों ही नॉट फाइनल हो, मतलब दोनों ही फाइनल स्टेट ना हो, Q1 और Q4 के अलावा दोनों हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला फाइनल स्टेट ना हो लेकिन दूसरा फाइनल स्टेट हो, या फिर पहला फाइनल स्टेट हो और दूसरा फाइनल स्टेट ना हो। तो हम बोल रहे हैं कि इस दोनों कंडीशन में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक आया तो वहीं पे तुम रुक जाओगे और बोलोगे कि बस ये अब इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगा कि अगर ये चीज ऐसा अगर ऑर्डर्ड पेयर आ गया, दैट मींस द गिवन टू ऑटोमेटा आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, वहीं पे हम रुक जाएंगे और बोल देंगे इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका हमें वेट करना है कि नॉट फाइनल फाइनल या फाइनल नॉट फाइनल में से कोई आए, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे फाइनल Q1 है और Q4 है, अब चेक कर लेते। देखो Q1 Q4 आया, दैट मींस इसको अगर शॉर्ट में लिख, पहले हम इसको अलग कलर से अगर लिखना चाहे तो यहां पे हम लिख सकते हैं Q1 क्या है, Q1 फाइनल है, हाँ फाइनल है, Q4 फाइनल है, हाँ, तो फाइनल कॉमा फाइनल वाला ऑर्डर पेयर आएगा, सोचना नहीं है इसमें फिर कुछ। Q2 फाइनल नहीं है, Q5 भी फाइनल नहीं है, नॉट फाइनल कॉमा नॉट फाइनल वाला आया, इसमें भी ज्यादा नहीं सोचना। अब क्या अगला जो रो होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, नया कुछ बना क्या राइट हैंड साइड में, Q1 Q4 पे तो हमने रिसर्च कर लिया सी आने पे कहाँ जाता है डी आने, अब कुछ नया क्रिएट हो गया है क्या, हाँ Q2 Q5 एक ऑर्डर्ड पेयर की आ गया है जिसके बारे में हमें अब थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। तो अब देखो Q2 कहाँ जाता है, Q2 कहाँ जाता है, क्या आने पे, C आने पे और D आने पे। तो Q2 C आने पे, आप देख रहे Q3 पे जा रहा है, Q5 C आने पे Q6 पे जा रहा है, ठीक है। Q2 D आने पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, और Q5 D आने पे Q4 पे जाता है। फिर से देख लेते हैं कि कहीं नॉट फाइनल फाइनल वाला कोई सिचुएशन तो नहीं आ गया यहां पे। तो Q3 नॉट फाइनल, ये भी फाइनल नहीं है, Q1 फाइनल है, Q4 फाइनल है, ठीक है, लाइक वाले आए हैं तो अभी सोचने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि कुछ नया तो नहीं आया, Q1 Q4 पे तो हम कर चुके थे रिसर्च, ठीक है, Q3 Q6 नया आ गया है। चलो तब तक करते जाएंगे जब तक राइट हैंड साइड में कुछ नया चीज आना बंद ना हो जाए। तो Q3 Q6 के बारे में बात करेंगे अब। तो Q3 C आने पे कहाँ जा रहा है, Q3 C आने पे Q2 पे जा रहा है, Q3 से Q2 की तरफ एरो जाता है, वैसे ही हम बोलते हैं कि Q3 C आने पे Q2 पे जा रहा है, ठीक है। Q6 कहाँ जा रहा है, C आने पे, तो Q6 C आने पे आप देख रहे हो Q7 की तरफ जा रहा है, Q7 लिख दिया। आगे डिस्कशन करते हैं, तो अब Q3 D आने पे कहाँ जा रहा है, तो Q3 D आने पे Q3 पे ही रह रहा है, ठीक है, Q3 पे ही रह रहा है। Q6 कहाँ जा रहा है D आने पे, Q6 पे ही रह रहा है। देख रहे एक तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। तो
अब फिर से देख लेते हैं, फिर से एनालाइज कर लेते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि Q2 Q7 दोनों ही फाइनल नहीं है, तो नॉट फाइनल नॉट फाइनल, ये हम अपने विजुअलाइजेशन के लिए बना रहे हैं कि हाँ देखने से पता चल जाए कि हाँ फाइनल फाइनल है, नॉट फाइनल नॉट फाइनल सोचना नहीं है। अगर कहीं फाइनल कॉमा नॉट फाइनल या फिर नॉट फाइनल कॉमा फाइनल आ जाए, बस वहीं पे रुक के बोल देंगे इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। Q3 Q6 दोनों ही नॉट फाइनल है, ठीक है, ये मेरा तरीका। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं इंटरमीडिएट और नॉट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले स्टेट, और फाइनल जो होते हैं वो तो या तो शुरू में आएगा स्टार्ट स्टेट या फाइनल स्टेट, या फिर बाद में आएगा, ऐसा कुछ होता है। तो मैं तो ये वाला नोटेशन यूज करता हूं। अच्छा आगे फिर क्या करना है, कुछ नया मिला क्या यहाँ? Q2 Q7 के बारे में हमने किया है, 3 6 के बारे में तो अभी अभी किया है, 2 7 के बारे में नहीं किया है, तो फिर कर लेते हैं Q2 कॉमा Q7, ठीक है, Q2 कॉमा Q7। तो Q2 C आने पे कहाँ जा रहा है? Q2 C आने पे जा रहा है Q3 की तरफ, मुझे दिख रहा है। Q7 कहाँ जा रहा है? Q7 कहाँ जा रहे हो तुम? डी आने सी सी आने Q7 बोलो तुम कहाँ जा रहे हो सी आने पे? Q6 के तरफ, Q6 के तरफ। अब Q2 डी आने पे कहाँ जा रहा है? Q2 डी आने पे Q1 के तरफ जा रहा है, और Q7 डी आने पे कहाँ जा रहा है? Q7 डी आने पे Q4 जा रहा है, ठीक है। अब फिर से वही काम चेक कर लेते हैं, तो Q3 Q6 ये दोनों ही नॉट फाइनल है, और ये दोनों तो आपको पता ही है कि फाइनल है, तो एक तरीके के आए, ठीक है, नॉट फाइनल और फाइनल फाइनल। क्या आप कुछ बच गया है क्या? Q1 Q4 के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है पहले, Q3 Q6 के बारे में पिछले रो में ही बात किया था, कुछ नया तो नहीं आया? नहीं, नया नहीं आया तो बस यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमें पता चल गया कि अच्छा ये जो है दो स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं, तो बस लास्ट में जैसे लिखते हैं सिंपल वर्ड्स में लिख देंगे, हेंस क्या लिख सकते हैं, या तो वो जो लैंग्वेज दिया होगा वो इक्वल्स टू दूसरा लैंग्वेज लिख सकते हैं, या फिर ऑटोमेटा 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बस ऐसे ही काम चलता है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस छोटे से क्वेश्चन को किया, जहां पे कुछ सोचना ज्यादा नहीं होता। पहला कंडीशन, अगर किसी एक में भी इनिशियल फाइनल के ही इक्वल है तो दूसरे में भी होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अगर इनिशियल फाइनल अलग है दोनों में तो फिर अगले स्टेप पे चले जाओ, लेकिन अगर सेम है तो दोनों में होना चाहिए, तब ये नहीं होगा कि एक में ही इनिशियल फाइनल है तो फिर वहीं पे रुक के बोल दोगे कि नहीं इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। अगर Q4 इनिशियल फाइनल होता ऑटोमेटा 2 में, लेकिन Q1 इनिशियल फाइनल नहीं होता ऑटोमेटा 1 में, तो हम वहीं पे बोल देते नहीं ये इक्विवेलेंट नहीं है, बस आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो गया कि इसमें भी इनिशियल फाइनल है इसमें भी इनिशियल फाइनल, तो अभी आगे बढ़े। या फिर ऐसा हो सकता था कि Q1 इनिशियल होता Q3 फाइनल, यहाँ Q4 इनिशियल Q6 फाइनल, फिर भी हम अगले पे जाते, ठीक है। तो ये छोटा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि FNF या फिर NFF, नॉट फाइनल फाइनल या FNF, ये वाला अगर कहीं पे आ जाए तो आपको बोल देना है कि वहीं पे रुक के बोल देंगे कि आप इक्विवेलेंट नहीं है, वरना आप तब तक ये बनाते जाएंगे टेबल, तब तक जब तक कि राइट हैंड साइड में, राइट हैंड मतलब सी वाले कॉलम और डी वाले कॉलम में कोई नया आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलना बंद ना हो जाए, तब तक आप ये करते जाएंगे। हमने लास्ट में आके देखा Q3 Q6 ऑलरेडी कर चुके थे, और Q1 Q4 फर्स्ट रो में ही कर चुके थे, तो इसीलिए हम रुक गए। तो
तो समझ में तो आया होगा, नहीं आया होगा तो और क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, आ जाएगा समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लेलिस्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, उसमें आके आप और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।